तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और एक्चुअली आज क्या है कि मैं सुबह जल्दी उठ गया था और सुबह उठने के बाद मैं घर पे ही कुछ नाश्ता बना लिया था। लेकिन अभी क्या दोस्तों कि मैं दोपहर हो चुका है और दोपहर में मैं घर पे ही खाना बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से एक करी बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ना मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँ कि मैं कैसे अपना एक करी बनाता हूँ। तो आप भी अगर घर पर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो बस ब्लॉग में आप बने रहो, और शाम में भी हम लोग हो सकता है कहीं पर घूमने जाने वाले हैं, तो इस ब्लॉग में मैं पूरा कवर करूँगा। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि रेगुलर मैं आपको व्लॉग दे पाऊँ। और अभी मैं रांची में हूँ और कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं रांची को धीरे धीरे करके एक्सप्लोर भी करूंगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, तो मैं बहुत जल्दी दोस्तों अभी जो बिग विलियन डे आने वाला है उसमें मैं एक फ़ोन ऑर्डर करने वाला हूँ, और उसी फ़ोन से दोस्तों मैं एक अच्छे प्रॉपर वे में ब्लॉगिंग चालू करूँगा, फूड ब्लॉगिंग। तो आप मेरे चैनल पर बने रहो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल चलिए मेरे साथ आप देखें कि अंडा करी मैं कैसे बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको बैक कैमरा को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक को क्या किया है, दो भागों में कट कर लिया है। और जब भी आप इस तरीके का अंडा करी बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं पिछले बार बनाया था और मेरे को खुद बहुत अच्छा लगा, तो मैं फिर से इस बार ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सरसों तेल में कुछ इस प्रकार के अंडा करी को कट करके उसको तल लेना है अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा आप उसको तलेंगे उतना ज़्यादा आपको टेस्टी और मज़ा आएगा खाने में, आप सामने से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने प्याज कट किया है, और यहाँ पे हरी मिर्च है, और मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है। थोड़ी देर के बाद मैं इसको कट करूँगा और मसाला के लिए प्रिपेयर करेंगे। और सामने यहाँ पर मैंने कुकर पर है वो चावल चढ़ा दिया है, क्योंकि एक करी के साथ राइस बनाने का सोचा था, तो यहाँ पर राइस एक्चुअली बन चुका है। क्या है दोस्तों कि अभी मैं यहाँ पर अकेले ही रह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सोचा हूँ कि आपको मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करने वाला हूँ, और कोशिश करूँगा कि आपको बढ़िया बढ़िया ब्लॉग दूँ। और जो भी मेरा दिन भर का शेड्यूल होगा मैं उसका अलग से प्रॉपर ब्लॉगिंग भी बनाऊँगा। और आप देख सकते हैं मैं बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से प्याज को यहाँ पे कट कर रहा हूँ। क्या है दोस्तों कि जब भी आप कुछ इस तरीके का घर में बनाते हैं, चाहे तो अंडा करी बनाते हैं या फिर अगर आप चिकन भी बनाते हो या कोई स्पेशल सब्जी बनाते हो, तो कोशिश आप ये करिएगा कि मिक्सर ग्राइंडर में आप टमाटर और प्याज को मत पीसिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि मेरे को जहाँ तक अनुभव है सब्जी थोड़ा सा टेस्ट अच्छा निकल कर नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, पूरा बारीक तरीके से आप देखेंगे इस तरीके से आपको टमाटर को बहुत अच्छे तरीके से कट करना है। आप देखिए इस तरीके से आपको एकदम छोटा छोटा स्लाइस में आपको कट करना है, ताकि जब भी आप इसको कढ़ाई में तलेंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये मिल जाएगा और आपको कोई इशू नहीं आएगा। कि मैं यहाँ पे सारा जो भी इंग्रेडिएंट्स था, जो सब्जी वगैरह था, जैसे कि यहाँ पे प्याज मैंने पूरा बारीकी तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पे आपको दोस्तों इस तरीके से आपको टमाटर कट करना है, और यहाँ पे देखेंगे मैंने दो या तीन यहाँ पे ग्रीन मिर्च लिया है, क्योंकि मैं तीन एग का यहाँ पे एक करी बना रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा सा अगर बचेगा तो मैं शाम में खा लूँगा। तो अब क्या है कि आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे जल चुका है और पक चुका है ये बहुत अच्छे तरीके से। कुछ इस प्रकार से आपका जब लाल हो जाएगा ये, तो आपको क्या करना है इसको निकाल लेना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जब ये इस प्रकार का लाल हो जाए तो आपको अच्छे से इसको निकाल लेना है, और ध्यान रखिएगा कि ये बाहर ना निकल जाए, थोड़ा सा टूट टूट ना जाए, क्योंकि जब आप सब्जी बनाओगे प्रॉपर तो उस समय आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसको निकाल के रख लेते हैं, इसे गर्म कर लेना है। और ये जो मेरा कढ़ाई है पहले से ही गर्म है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सरसों तेल ऐड करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहला थोड़ा सा अच्छे टेस्ट लाने के लिए आपको यहाँ पे तेज पत्ता यूज़ करना है, दो यूज़ कर लीजिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं दो तेज पत्ता यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेंगे उसके बाद। अब क्या है कि तेज पत्ता जल चुका है, तो आपको सबसे पहले मिर्च को ऐड कर देना है, ग्रीन मिर्च को। आप साथ ही दोस्तों आपको प्याज भी ऐड कर देना है, आपको थोड़ा सा इसको चलाना है ताकि जो आपका ऑयल है अच्छे से मिक्स हो जाए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जब भी आप इस प्रकार से ऐड करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से क्या होगा कि जो आपका प्याज है उसको गलने में टाइम नहीं लगता है, और ऐसे अगर आप नमक नहीं ऐड करेंगे तो प्याज को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो चलिए मैं नमक यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, अभी ही मैं नमक ऐड कर दूंगा ताकि मैं बाद में सब्जी बनाने के लिए नमक ऐड नहीं करूँगा। अब क्या है दोस्तों, आपको 5 मिनट एकदम मीडियम फ्लेम में, मैं यहाँ पे फ्लेम को कम कर ले रहा हूँ,
और आपको 5 मिनट इस प्रकार से छोड़ना है ताकि जो आपका प्याज है अच्छे तरीके से गल जाए। सो अब क्या है दोस्तों कि 5 मिनट हो चुका है और चलिए मैं आपको हटाकर दिखाता हूँ। तो अब देखिए इसका जो कलर है प्याज का आपको चेंज होता हुआ दिखने लगेगा, रेड रेड टाइप का होने लगेगा। तो थोड़ा सा लगता है ये और पकाना बाकी है इसको, तो हम थोड़ा देर और इसको छोड़ेंगे। अब क्या है दोस्तों कि आपको आपने जो टमाटर यहाँ पे कट किया है हम इस टमाटर को ऐड करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है कि मेरा जो प्याज है थोड़ा सा ज़्यादा पक गया, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, मैं कुछ करने लगा था साथ में। अब क्या है दोस्तों कि 5 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको पकाया है टमाटर को और ये लगभग पक चुका है। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से ऊपर से कलछुल के माध्यम से इस तरह से चलाना है और एकदम आप जितना ज़्यादा इसको स्मूथ करिएगा उतना ज़्यादा आपका जो मसाला है, जो आपका ग्रेवी है, बहुत अच्छा बनेगा। पूरा 100% पक चुका है और अब हम क्या करेंगे इसमें मसाला को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस प्रकार का एक बॉक्स यूज़ करता हूँ जहाँ पे मेरा प्रॉपर पूरा सारा मसाला एक ही जगह पे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम हल्दी पाउडर लेंगे और मैं सबसे पहले हल्दी पाउडर यहाँ पे ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कोरिएंडर ऐड करता हूँ थोड़ा सा। साथ ही क्या दोस्तों यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का एक पेस्ट यूज़ करूँगा एक पूरा, और गरम मसाला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा थोड़ा सा, और ये सब्जी मसाला है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सब्जी मसाला ले रहा हूँ और हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे कि जब मैं सारा मसाला इसमें ऐड कर चुका हूँ तो जो ग्रेवी का कलर है बहुत अच्छा बनकर यहाँ पे तैयार हुआ है। और अब क्या करेंगे ये जो मसाला है थोड़ा सा इसको भूनेंगे, तो मीडियम फ्लेम में आपको रखना है। और चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसको 500 में कर देता हूँ और इसको हम क्या करेंगे ढक देंगे। और ढकने के बाद दोस्तों आपको एटलीस्ट इसको 10 मिनट या 5 मिनट आप इसको कुक करेंगे अच्छे से, ताकि जो आपका मसाला है बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। अब दोस्तों पूरा कंप्लीट अच्छे से ये पक चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमारा एग था हम उसको ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद अगर आप इसको ऐसी ग्रेवी में निकाल के अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पानी ऐड करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे इसको राइस के साथ खाने वाला हूँ। अब 2 मिनट ऐसे पकने देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये कंप्लीट अच्छे तरीके से पक चुका है और हम लोगों ने इसे गाढ़ा ग्रेवी बनाया है ताकि खाने में ऐसे ही बहुत मज़ा आता है। और साथ में यहाँ पे मैंने राइस निकाल लिया है और 2 प्याज मैंने कट किया है। अब चलिए मैं यहाँ पे कटोरा में निकाल लेता हूँ सब्जी को। सो अब चलते हैं लेकर और फिर खाकर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। सो अब क्या दोस्तों कि मैं खाना वाना खा के रेडी हो चुका हूँ और आप देख सकते हैं मैं रेडी हो गया हूँ कंप्लीट अच्छे तरीके से। और अभी क्या है कि अपर बाज़ार जाना है कुछ काम से और बुक्स ख़रीदना है। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने विशाल से 2 शॉर्ट्स ख़रीदा था, तो एक बार मैं उसको वापस रिटर्न भी किया था क्योंकि छोटा हो गया था पहले, तो मैंने बाद में बड़ा भी लिया था। लेकिन अभी क्या दोस्तों कि वो मेरे को रखना नहीं है, उसको एक्सचेंज करके मैं कुछ और ख़रीदूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं विशाल का जो शॉर्ट्स था वो मैंने इसमें रख लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 2 शॉर्ट्स था दोस्तों जो कि मैं 300 के आसपास में ये दोनों शॉर्ट्स मैंने परचेज किया था। तो अभी इसको मेरे को रखना नहीं है, तो सीधा भी चलेंगे, सबसे पहले विशाल जाएंगे उसके बाद फिर जाएंगे अपर बाज़ार जहाँ पे बुक्स वगैरह ख़रीदना है। तो बस ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहो और जो भी आपका सजेशन है, अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर कमेंट्स करोगे कि आपको प्रॉपर विशाल का एक कंप्लीट ब्लॉग चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक ब्लॉग लेकर आऊँगा। तो नीचे आपको कमेंट करना है और कमेंट का जो क्राइटेरिया है एटलीस्ट 10 कमेंट्स चाहिए, तभी जाके मैं उसके ऊपर एक ब्लॉग कंप्लीट लेकर आऊँगा। तो क्या दोस्तों कि अभी मैं जस्ट विशाल पहुँचा ही था और मैं गया काउंटर पे, तो वहाँ पे मैंने बताया कि मेरा जो बिल में जो मैंने ख़रीदा था 2 पैंट उसको मेरे को एक्सचेंज करना है। तो एक्चुअली क्या था, प्रॉब्लम हुआ कि 14 दिन से ज़्यादा मेरा बिलिंग जो जनरेट हुआ था वो 14 दिन से ज़्यादा हो गया था, तो एक्चुअली नहीं हो पाया। तो जब भी अगर आप विशाल जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं, अगर आपको बाद में पसंद नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा कि आपको 14 दिन के अंदर ही आपको रिटर्न करना होगा, नहीं तो बाद में आपका रिटर्न नहीं होगा क्योंकि उनका पॉलिसी है और आपको पॉलिसी को मानना होगा। तो अभी क्या है कि जो मेरा पैंट है एक को मैं खुद रख लूँगा और एक देखता हूँ अपने भैया को दे दूँगा। तो अब क्या है कि यहाँ का काम हो चुका है और अब सीधा चलते हैं अपर बाज़ार बुक्स वगैरह लेने। तो बस आप ब्लॉग के साथ बने रहो। सो अब क्या दोस्तों कि आप इसे देख सकते हैं मैं बुक्स के शॉप पर हूँ और यहाँ पर एक SSCCL का बुक मैंने परचेज किया है एक्चुअली नॉलेज के पर्पज़ से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा जो स्टडी है वो ब्रेक हो गया था और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स और केमिस्ट्री या साइंस वगैरह को थोड़ा थोड़ा करके रिकॉल करूँ ताकि बाद में अगर
कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम में मेरे को बैठने का मन करे तो मैं भी बैठ सकूँ, तो इसी के पर्पज़ से मैं इस बुक्स को परचेज कर रहा हूँ। और फिर उतना कुछ है नहीं कि मैं, मेरे को पर्सनली ऐसे ऐसे सीरियल करना है, बाद में देखते हैं अगर वैसा कुछ मन करेगा तो कर भी सकते हैं। यहाँ दोस्तों कि अभी मैं जस्ट अपर बाज़ार में था और यहाँ पे बुक्स लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा फ़ोन होल्डर आपको बहुत अच्छे प्राइस में ये भैया वो बेच रहे हैं। और आप कुछ इस प्रकार से फ़ोन को स्टैंड कर सकते हैं, उधर भी आपको एक स्टैंड देखने को मिलता है। और ये साथ में वाटर का स्प्रे भी बेच रहे हैं, तो अगर कभी भी आप रांची अपर बाज़ार विज़िट करते हो तो इस प्रकार आप घूमोगे तो काफ़ी सारे स्टॉल में या फिर इस ठेले में इस प्रकार का आपको काफ़ी सारा जो है प्रोडक्ट आपको सस्ता में देखने को मिलता है। सो आई होप दोस्तों अगर आपने इस ब्लॉग को कंप्लीट देखा होगा तो आप ये ब्लॉग में जरूर सीखेंगे एक नए वे में, एक नए अंदाज में एक करी को बनाना, जहां पर मैंने आपको एक करी को दो भागों में कट करके और अच्छे तरीके से बनाया सिखाया है। आई होप आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर आप नए हैं मेक श्योर इसी प्रकार के नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँ। और धीरे धीरे करके दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैं रांची को एक्सप्लोर करूँगा और जितने भी यहाँ पे अट्रैक्शन के प्लेस है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और जितने भी यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, जितने भी अच्छे अच्छे ढाबा है जहाँ पे आप कन्फ्यूजन होते हैं अगर आप कपल्स में जाना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं ब्लॉग लेकर आऊँगा। आई होप आपको अगर वो भी ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।